हाय दोस्तों, तो मैं आया हुआ हूँ राजस्थान के बीकानेर में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस कंपनी में मैं आया हुआ हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मशीनें बनती हैं उनकी डिमांड इतनी है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि बोलते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान। जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान इसलिए कहा गया कि आदमी के पास जब तक आदमी काम करता है, चाहे आदमी जहाँ पे भी रहता है, लेकिन अपने लिए मकान जरूर बनाता है, फैक्ट्री बनाता है, ऑफिस बनाता है, तो इनके प्रोडक्ट्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मुझे इस चैनल पे देख के बिल्कुल हैरान हो रहे होंगे, जिस चैनल का नाम है बिजनेस की बात। जी हाँ दोस्तों, तो मैं अब आपको इस चैनल पे काफ़ी यूनिक बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल YouTube चैनल बिजनेस की बात को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो सॉरी, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और इस प्रोडक्ट की हर जगह डिमांड है, हर किसी को, चाहे गाँव में हो चाहे शहर में हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप कहीं शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आइए सबसे जानकारी लेते हैं इस बिजनेस को, कौन कैसे और कहाँ पे कर सकता है, और इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है वो कितने का होने वाला है, और इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो सर जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बिजनेस की बात में। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम और थोड़ा कंपनी का नाम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम गजानंद है और हमारी कंपनी का नाम है एयरसन मशीन्स, और हम मशीनरी में डील करते हैं। ओके सर, जैसे कि सर मैंने देखा है कई बिजनेस ऐसे होते हैं, कई मतलब कुछ सर्दी में होते हैं, कुछ गर्मी में चलते हैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है इसकी इतनी सारी डिमांड है कि चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, और चाहे शहर चाहे गाँव, इसकी डिमांड हर जगह। क्या कारण है सर इसका? हमारा ये सीजनेबल नहीं है। लोग सीजनेबल बिजनेस करते हैं, उनको 6 महीने कुछ और काम करना होता है, बाकी 6 महीने कुछ और सोचते हैं क्या करेंगे। अगर ये पूरे साल चलने वाला बिजनेस है, और ये कंस्ट्रक्शन का काम में जो काम आते हैं उस चीज़ का बिजनेस है ये। जी जी जी। और कंस्ट्रक्शन का काम पूरे साल चलता है, और अभी तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है इंडिया में, आपको मालूम होगा। जी, तो सर मशीन का थोड़ा डेमो दिखा सकते हैं, मशीन कैसे वर्क करती है? बिल्कुल अच्छे से चला के दिखाते हैं, समझाते हैं, पूरी बताते हैं आपको। आइए वीडियो में आखिर तक बने रहिए दोस्तों। इसमें ये प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये सरिया चाहिए, जिसके हमने छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए हैं, ये बहुत सारे इधर भी पड़े हैं, अभी हम आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए, ये अपनी रिंग बन के तैयार हो गई है। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि रिंग कैसे तैयार हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे इसके अंदर दो जने इस रिंग को तैयार कर रहे हैं। देखिए मशीन एक है और डबल काम हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में हो रहा है, और इसका आप छोटा बड़ा साइज भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए बड़े ही आसानी से तरीके से कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये सरे का पीस लेना है और यहाँ पर लगाना है और अपने आप ही मशीन में बेंड कर देना। ये देखिए, प्रोडक्शन कितना होता होगा? दो लोग काम करेंगे तो 1 घंटे में 500 पीस तैयार हो जाएंगे। 1 घंटे के अंदर अगर 2 आदमी काम करते तो 1 घंटे के अंदर 500 पीस तैयार हो जाते हैं। देखिए बड़ी आसानी से यहाँ पे काम हो रहा है, और देखिए कैसे यहाँ पे पीस तैयार किए जा रहे हैं। और इसका हम छोटा बड़ा साइज भी अगर करना चाहे तो इसका साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। आपको इस कंपनी की एक खास बात और भी बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप यहां से मशीन परचेज करते हो, अगर आपका बिजनेस नहीं चलता तो कंपनी जो मशीन है उसको रिटर्न ले लेती है, यानी कि वापस ले लेती है। तो दोस्तों ऐसा आपने कभी भी नहीं सुना होगा, और ये पहली बार दिखाया जा रहा है। कई लोग तो बिजनेस तो करना चाहते हैं सर, पर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अब कई सारी मशीनें ऐसी महंगी है, कोई 5 लाख रुपए की, कोई 6 लाख रुपए की। तो अब कई ऐसे गरीब लोग हैं, उनके पास इतना पैसा तो है नहीं। हमें भी कमेंट करके बताए सर, इतना कुछ बताइए जो मतलब कम से कम ऐसा बिजनेस बताइए जो हम आसानी से कर सकते कम पूंजी में, यानी कि 50-60 हज़ार रुपये में। तो आप जो बताइए, अगर इस बिजनेस को कोई स्टार्ट कर पाएगा तो कितने में कर पाएगा, थोड़े बताएंगे? हमारे पास भी ऐसे काफ़ी कमेंट्स और कॉल्स आते हैं कि सर कुछ कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है तो बताइए। जी। तो उसी के लिए हमने रिसर्च करके ये सारा अभी बनाया है प्रोडक्ट। तो सर जो आप बता रहे हैं इसके अंदर जो के इस बिजनेस को जो कोई कर सकता है सिर्फ 50,000 रुपए में, तो इस 50,000 रुपए में क्या क्या देंगे आप?
50,000 में एक काटने के लिए कटर मिलेगा जिससे हम सरिया काटेंगे और एक ये मशीन मिलेगी और आपके शहर तक हम पहुंचा के भी देंगे। यानी कि ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आपका ही होगा। सर ये क्वेश्चन और भी करना चाहता हूँ कि जैसे इस बिजनेस को कोई करना चाहता है और मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो क्या इसके लिए किसी ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी? नहीं, ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप मशीन अगर घंटे भर चलाओगे तो आप समझ जाओगे, इसमें ज़्यादा कुछ भेद वाली बात नहीं है, काफ़ी सिंपल और इजी मशीन है बिल्कुल एकदम। ये ऐसा है, इस प्रोडक्ट की क्या है कि किलो के हिसाब से रहता है जी। पीस के हिसाब से हम नहीं देखते हैं, तो किलो के हिसाब से हम मार्केट से लेने जाएंगे तो हमें लगभग वो जो सरिया की रेट है उससे ये प्रोडक्ट 12-13 रुपए किलो महंगा होता है जी जी। और हम जो बनाएंगे हम उनको बना के देंगे या फिर आप चाहो तो कॉलोनी में भी जाके बेच सकते हो। सर सबसे पहले दिक्कत ये, जैसे हमने मशीन भी ले ली और रॉ मटेरियल भी ले लिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हम इसे सेल कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। सेलिंग का ये है कि इसको आप जो सरिया रखने वाले होलसेलर होते हैं उनको अभी आप ले जाके दे सकते हो, और आप चाहो तो पाइप सरिया खरीद के उसको कटिंग करके ये रिंग बना के और उनको दे सकते हो आप 5-6 रुपए किलो प्रॉफिट रख के, या फिर उनसे सरिया लेके कटिंग करके उनको वापस दे सकते हो, सिर्फ जितना वजन होता है उसका आप जॉब चार्ज ले सकते हो। तो एक तो ये तरीका हो गया जी जी। और आप ये पार्ट टाइम में कर सकते हो, अगर पूरे टाइम में करना है फुल तरीके से तो आप दो बंदे लगा दो मशीन पे, वो दिन भर ये रिंग बनाएंगे और आप जो नई नई कॉलोनीज बन रही है आजकल, बहुत ज़्यादा कॉलोनीज है और इतना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे जाके उनको बता सकते हो कि हम ये रिंग बना के देते हैं, आप हमसे लेंगे तो सस्ता पड़ेगा, और आप इस रिंग का जो बीम बनता है, कॉलम बनता है, वो भी आप बना सकते हो, बस चार तरफ सरिया लगाना है और तार से बांधना है, तो ये फुल टाइम ये भी काम कर सकते हो, तो आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो सर जैसे अभी ये जो रिंग है ये कितना एमएम का, इसकी जो मोटाई है, या तो ये जो तैयार, तो कितने उसमें एमएम में तैयार कर सकते हैं? 8 एमएम का सरिया है जी। इसमें 6 एमएम का भी बनाते हैं लोग, 10 एमएम का भी बनाते हैं, लेकिन मीडियम साइज 8 एमएम का, और ये सबसे कॉमन चीज है, सबसे ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा, और ये सबसे छोटा साइज है जो 7x7 इंच का है, जो अपने 9 इंच की दीवार होती है उसके अंदर लगता है। इसमें बड़ा छोटा सब तरह के बनते हैं, सारा मशीन में एडजस्ट सिस्टम दिया हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे सारा कैसे बनता है क्या बनता है, और ये सबसे छोटा है, ये 1 किलो में 3 पीस होते हैं और 6 रुपए किलो आपको मिल जाएगा आराम से मार्केट में। और रॉ मटेरियल तो कहीं से भी ले सकते हैं इसका? हाँ, हर शहर में जो लोहे की दुकानें होती है, कंस्ट्रक्शन का सामान मिलता है, वहीं मिलती है, आयरन स्टोर हो गया उन पे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सामने देख सकते हैं डिस्प्ले पे इनका पूरा फोन नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा फोन नंबर एड्रेस पूरी डिटेल दी गई है, आपने सिर्फ एक कॉल करना है, अगर आप एक कॉल करते हो, मिस कॉल भी आप करते हो तो कंपनी आपको पूरा रिप्लाई करती है और पूरा आपको सपोर्ट करती है। आप यहाँ पे आइए, विजिट कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, मशीन को चलाइए, एक बार नहीं 10 बार चलाइए, जब तक आपको पूरा समझ में ना आए मशीन बाय मत कीजिए, और एक बार भी आपने अगर देख लिया मशीन बहुत आसानी से आप खुद वर्क कर सकते हैं, एक बार आपने देखा तो अपने आप ही आप काम करने लग जाओगे, कोई बड़ी कलाकारी नहीं है।